देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें उम्मीद है कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। हमारी एक ही जमात है, जमीतुल्लाह इस्लाम ने, मेरी उनसे दो तीन मुलाकातें हुई, दो के उनके मेंबर्स जो थे वो हमारा, क्योंकि बलोच रवायात और उसके मुताबिक उन्होंने मुझे ये कहा कि जी जी हम, मैं क्योंकि आप भी हमारे पास कौमी आए हैं, वकील हमें तो इतराज़ नहीं है, लेकिन शीफा गवादर जो उन्होंने कहा हमदर्द सेंट्रल लीडरशिप है वहाँ से थोड़े इशूज़ थे। जी देखिए, सदर जरदारी साहब ने हमेशा जो है बलूचिस्तान उनके दिल के करीब तरीन रहा है। उन्होंने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बलूचिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर किया सूबाई हुकूमत को और सूबे को, फिर साथ साथ जो बलोचों के लिए आगाज़ हकूक के बलूचिस्तान के नाम से जो नौजवानों के लिए पैकेज दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत तारीख में याद रखे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा भी उम्मीद है कि सदर जरदारी बलूचिस्तान के लिए बड़ा खसूसी दर्द रखते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे।